तो फाइनली दोस्तों बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक इंटर के मार्कशीट का वितरण करने की तिथि जारी कर दी गई है। इस वीडियो में जो मैं आपको बताने वाला हूं उसको बस 2 मिनट आप ध्यान से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो आपको फिर डेट की जानकारी स्वयं हो जाएगी, आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। देखिए क्या कहा जा रहा है इस विज्ञप्ति में, चूंकि बिहार बोर्ड आज 8 जून को ये विज्ञप्ति जारी कर चुका है, नोटिफिकेशन जारी कर चुका है। इस विज्ञप्ति में कहा जा रहा है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2022 का अंक पत्र औपबंधिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र तो हो गया मार्कशीट, औपबंधिक हो गया आपका प्रोविजनल सर्टिफिकेट, और इसके साथ माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी रहेगा और विद्यालय क्रॉस लिस्ट, तो इससे आपको कोई मतलब नहीं है। तो ये सब जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में आपूर्ति करने और इसके वितरण और पंजीयन या परीक्षा शुल्क में जिन स्कूलों का शुल्क बाकी है उनका जमा करने के संबंध में ये सूचना, ये विज्ञप्ति, ये नोटिफिकेशन निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा, क्या कहा जा रहा है कि ये पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, कोसी और तिरहुत प्रमंडल के लिए दिनांक 9/6/2022 को, और दरभंगा, पटना, मगध और सारण प्रमंडल के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में दिनांक 10/6 को ये जो मार्कशीट है, क्रॉस लिस्ट है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है और माइग्रेशन सर्टिफिकेट है, वो भेज दिया जाएगा। यानी कि जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिसको हम लोग डीओ ऑफिस भी कहते हैं, डीओ ऑफिस में 10/6/2022 को और 11 को, यानी 10/6 को कहां कहां के लिए, पूर्णिया, मुंगेर, भागलपुर, कोसी और तिरहुत के लिए, और 11/6 को किसके लिए, तो दरभंगा, पटना, मगध और सारण प्रमंडल के लिए ये उपलब्ध हो जाएगा। मतलब 10 तारीख को उन सारे प्रमंडल के सारे जिलों में उपलब्ध हो जाएगा और 11 तारीख को नीचे तो दिया गया दरभंगा, पटना वगैरह, वहाँ पर बांटने के लिए उपलब्ध हो जाएगा। कहाँ, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में। अब आपको कब मिलेगा, तो आपका स्कूल और कॉलेज जो है वो 10 और 11 तारीख को जाकर के ले ले, या उसके एक दिन बाद, दो दिन बाद जब जाके ले ले, स्कूल को डीओ ऑफिस में जाकर के लेना होगा। डीओ ऑफिस में तो आ जाएगा 10 तारीख को और 11 तारीख को, लेकिन आपका स्कूल और कॉलेज कब जाके वहाँ से लाता है ये उस पर डिपेंड करता है कि आपको कब मिलेगा। अगर 10 को ही आपके स्कूल जा करके ले आया तो 10 से 11 से 12 से आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और अगर मान लेते हैं कि 15 को कोई स्कूल जा करके लाएगा तो 15 के बाद वो बांटेगा, तो ये स्कूल पर डिपेंड करता है। लेकिन आपका जो भी जिला है, जिला के शिक्षा कार्यालय में, डीओ ऑफिस में 10 और 11 जून को ये मार्कशीट उपलब्ध हो जाएगा। अच्छा, इसी विज्ञप्ति में एक खास बात और कही जा रही है कि जिनका फी बाकी है उनका जो है फी जमा करने के बाद ही मार्कशीट मिलेगा। तो इसके लिए किसी स्टूडेंट को, किसी छात्र को परेशान नहीं होना है, आपको शुल्क जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। हुआ क्या कि आपने जो रजिस्ट्रेशन करवाया मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए, या फिर जो आपने फॉर्म भरा मैट्रिक के लिए, इंटर के लिए, उसमें आपने तो सारा शुल्क जमा कर दिया अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को, लेकिन आपका स्कूल और कॉलेज ने क्या किया कि आपका फॉर्म तो भर दिया पर फॉर्म के लिए फी पेड नहीं किया। सभी स्कूलों ने नहीं, कुछ स्कूलों ने क्या किया है कि कुछ कुछ बच्चों का फी पेड नहीं किया है, यानी ड्यूज रख दिया है। तो ऐसा ड्यूज जब तक क्लियर नहीं किया जाएगा तब तक उन बच्चों का मार्कशीट नहीं मिलेगा। तो ये ड्यूज आपको नहीं देना है, ये आपका स्कूल जो है, जो आपका कॉलेज है, उसको जमा करना है। तो इसके लिए आपको चिंतित होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो फिलहाल मैट्रिक के मार्कशीट वितरण के लिए हमारे पास डेट आ चुका है कि 10 और 11 जून को आपके अपने जिले के मुख्यालय में, यानी कि डी ऑफिस में आ जाएगा, और उसके बाद से आपको 12 से मिले, 13 से मिले, जब से मिले, मिलना शुरू हो जाएगा। इंटर की सूचना जैसे ही आती है हमारे चैनल से आपको तुरंत बताया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेशन में, अगले वीडियो में।